वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखने के लिए नमामि गंगे विभाग के पदाधिकारियों द्वारा जिला अधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को तुलसी के पौधे प्रदान किए गए। वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखने के लिए गुरुवार को नमामि गंगे के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे। यहाँ उन्होंने जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को तुलसी का पौधा सौंपा। इसके अलावा नमामि गंगे के पदाधिकारियों ने अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी तुलसी के पौधे प्रदान किए। इस मौके पर नमामि गंगे की महिला पदाधिकारी भी मौजूद रहीं। इस दौरान हुई बातचीत में तुलसी के पौधे प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर जानकारी दी गई। शुद्धि, प्राणवायु शुद्धि, ऑक्सीजन वृद्धि हेतु ये भारत के जितने भी हमारे संपूर्ण जो जिले हैं, संपूर्ण जिले के जिला अधिकारी SP साहब, DM साहब के यहाँ ये हम पहुँचा रहे हैं और पहुँचा कर ये संदेश दे रहे हैं नमामि गंगे विभाग के द्वारा कि जलवायु की शुद्धि हो, प्राणवायु की शुद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ताकि ऐसी जो महामारियाँ आगे से आई हैं वो ना आमें। और इनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, जो जल को निर्मल किया जा रहा है, जगह जगह प्लांट लगाए जा रहे हैं, सीवेज प्लांटों के माध्यम से उसको जल को, यमुना जल को शुद्ध करने की जो चेष्टा की जा रही है, उसकी इनके सराहनीय कार्यों को भी हम देखते हुए आगे ऊपर से हमें आदेश मिले हैं प्रदेश से और ब्रज क्षेत्र से। तो ब्रज क्षेत्र के मेरे साथ में आए हैं पदाधिकारी, आए हैं नमामि गंगे विभाग के, और मैं जिला संयोजक रसिक बिहारी शर्मा नमामि गंगे मथुरा जिला से हूँ। तुलसी के साथ साथ हम लोग DM साहब से जो सदस्यता अभियान चल रहा है और आगे जो 2022 के चुनाव की जो प्रक्रिया चालू हो रही है, जिला काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मंडल, 18 मंडल हैं, 18 मंडल में महिला मोर्चा की टीम सक्रियता से कार्य कर रही है। कहीं हमें प्रॉब्लम नहीं आए किसी भी तरह की, तो DM साहब से मिलकर उनके सपोर्ट के लिए मांगे। चूँकि नमामि गंगे है तो धार्मिक गंगे, जमुना सारी नदियों को लेकर है, और इस टाइम कार्तिक मास चल रहा है तो हमारे ब्रज के हिसाब से तो कार्तिक का बहुत महत्व है और तुलसी का तो उसमें सबसे ही ज़्यादा महत्व है, और तुलसी वायु को शुद्ध करती है, ऑक्सीजन देती है, तो ये तो हर घर में होनी ही चाहिए।